हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे पनीर पार्सल जो कि बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा और ये ना बहुत ही जल्दी बन जाएगा क्योंकि आज हम इसे ओवन में बेक करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे, जिसके लिए एक बोल में ना 1/4 कप गुनगुना गर्म दूध ले रही हूँ मैं। साथ में 1 चम्मच हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को ना हम तब तक इसमें घोलेंगे ताकि जब तक चीनी जो है अच्छे से दूध में घुल नहीं जाती। तो चीनी अच्छे से घुल गई है और अब मैं यहाँ पर ना इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और इसे ना हम हल्का सा कुछ सेकेंड के लिए मिक्स करेंगे। ओवर मिक्स ना करिएगा, आप किसी भी ब्रांड की यहाँ पर ईस्ट ले सकते हैं या फिर चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ईस्ट को हमने अच्छे से घोल लिया है और अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। चाहें तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बस कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना लीजिएगा। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ना ढक करके साइड पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि जो ईस्ट है ना वो एक्टिव हो जाए। तो हमारी ईस्ट है हल्की सी एक्टिव हो गई है और अब हम इसमें ना आटा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर अच्छे से हल्के से मिक्स कर लेती हूँ एक बारी। उसके बाद ना 1 कप मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। आप इसका डो चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं या फिर हाफ मैदा हाफ आटा दोनों मिक्स करके ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। साथ में 1/4 चम्मच मैं नमक ले रही हूँ और ना ओरिगैनो 1/2 चम्मच यहाँ पर ले लिया है मैंने। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ना एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, जैसा कि हम ना चपाती के लिए डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसका आटा लगाना है हमें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देख रहे हैं आप कि हमारा जो डो है वो यहाँ पर स्टिफ लग रहा है। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप और हल्का गर्म पानी मैंने लिया है। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा ताकि जो डो है वो बहुत ज़्यादा पतला ना बने। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना कि हमारा जो डो है वो सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से नीट करेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो चिकना हो सके। तो देखिए डो बनकर तैयार है, बिल्कुल चिकना है ये। तो इसे हम ना बाउल में रख देंगे और इसके टॉप पर हल्की सी ऑयल रब कर देंगे ताकि जो टॉप की लेयर वो हार्ड ना पड़े। और इसे ढक करके ना 1 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखेंगे ताकि जो आटा है ना वो वॉल्यूम में डबल हो जाए, यानी कि साइज़ में डबल हो जाए। इसमें टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, इसलिए तब तक हम चलते हैं ना अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। साथ में 1 चम्मच बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। कुछ सेकेंड के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे, उसके साथ ही हम बाकी की सब्जियाँ भी ऐड कर देंगे। तो स्मॉल साइज़ का आनियन मैंने ऐड कर दिया है, बिल्कुल फाइन चॉप किया था। साथ में कैप्सिकम लेंगे, उसे भी मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ का कैप्सिकम मैंने यहाँ पर लिया है और साथ में हम टमाटर 1 मीडियम साइज़ का लेंगे। इसे इसके सीड्स को मैंने ना साइड कर लिया था और इसे बिल्कुल क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर उबले हुए कॉर्न ले रही हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को ना हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे ना कुक नहीं करना है। तो बस इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ में नमक लिया है 1/2 चम्मच, मिक्स हर्ब्स 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अगर हर्ब्स नहीं है तो आप इसके जगह पर ऑरिगैनो भी ले सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच लिया है मैंने। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ही हम इसके साथ साथ ना इसमें सॉसेस भी ऐड कर लेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के ले रही हूँ। साथ में मायोनीज मैंने यानी कि प्लेन मायोनीज लिया है 2 बड़े चम्मच और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सॉसेज ऐड करने के बाद ना हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा मिक्स करके ना इसके साथ ही हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम के करीब पनीर ले रही हूँ, जिसको मैंने ना छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। तो बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में ना कट करिएगा, नहीं तो ये मैसी हो जाएंगे। तो इसे ना हम मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि ना ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाते। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है, देख रहे हैं आप कि हल्की सी ये ड्राई भी हो गए हैं। तो इसे हम ना फटाफट से एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। दूसरी तरफ ना अपने चलते हैं डो को भी चेक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जो हमारा डो है वो साइज़ में डबल हो गया है। अगर ना टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता तो बहुत जल्दी ये हो जाता, तो मुझे ये लगभग ना 1.5 से 2 घंटे रखने पड़े थे। तो इस तरीके से हमने इसे ना एक बार अच्छे से नीट कर लेना है। उसके बाद ना सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए ट्रे तैयार करेंगे। इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है
और अब हमें क्या करना है ना कि डो को रोल करेंगे और इसे ना 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 भाग में हमने इसे डिवाइड कर लेना है। इसमें से एक पोर्शन हम लेंगे और इसे बॉल का शेप देंगे इस तरीके से, और इसे ना हमने रोल करना है चपाती की तरह। बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतला या फिर मोटा हमें नहीं इसे रोल करना है। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा मैं रख रही हूँ क्योंकि हमें इसे ना ट्रायंगल शेप देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने थिकनेस रखी है, और चारों तरफ से ना हम इसमें हल्का सा पानी अप्लाई कर देंगे ब्रश से, और इसे तीन तरफ से ना हम इसे फोल्ड कर लेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे अच्छे से, ताकि ना अच्छे से सेल हो सकें ये और ये खोले नहीं बेक होते वक्त। और अब मैं बेस के सेंटर में ना रख रही हूँ थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ तैयार की हुई हमारी स्टफिंग, तो स्टफिंग काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। टॉप पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ रख देंगे फिर से, और उसी के साथ ना मैं यहाँ पर थोड़े से ले रही हूँ सीजनिंग, तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है। और अब हम इसके ना एक एक पोर्शन को रखते जाएंगे और उसके ऊपर ना ब्रश कर देंगे पानी, और एक के ऊपर एक हम इसे चिपका देंगे अच्छे से, यानी कि सील कर लेना है ताकि ये खुले नहीं, हल्के हाथों से करिएगा। तो इस तरीके से हमारी एक पनीर पार्सल आसानी से बनकर तैयार हो गई है, देख रहे हैं आप। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं, और इसी के साथ मैं आपको एक और यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। आप चाहें दोस्तों तो इसे ना आप केवल आटे से भी बना सकते हैं, वो और हेल्दी बन सकता है। तो इस तरीके से, और चाहें तो बिना ईस्ट के भी आप डो यहाँ पर बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का यूज़ करके, या फिर चाहें तो आप दही का भी यूज़ करके बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरा भी पनीर पार्सल बनाकर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हम बाकी सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी ट्रे तैयार हो गई है, और देखिए टोटल मैंने 4 बना लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर ना मिल्क से ब्रश करेंगे। इससे ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि जब ये बेक होगा ना तो इसमें काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है। आप चाहें तो ना भी करें, या फिर चाहें तो बटर से भी ब्रश कर सकते हैं। तो इसे हम ब्रश करके ना किसी किचन टॉवल से कवर करके 30-40 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे, यानी कि किसी गर्म जगह पर, ताकि ना ये थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो 30 मिनट लगभग हो गए हैं और ट्रे तैयार है बेक होने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पर ना टमाटर के स्लाइसेस ले रही हूँ, तो मैंने इसे पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ना लीजिएगा। और एक एक ना पीस को हम इसमें सेंटर में प्लेस कर देंगे, और अब हम ट्रे को रखते हैं बेक होने के लिए ओवन में। तो मैंने ओवन को यहाँ पर ना प्रीहीट कर लिया था 190 डिग्री पर 12 मिनट के लिए, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे बेक करूँगी 190 डिग्री पर ही 20 मिनट के लिए लगभग। तो 20 से 25 मिनट, शुरुआत के मैंने 20 मिनट ही से बेक किया है, बाद में एक्स्ट्रा 5 मिनट किया था। टाइम वैरी करता है, इसलिए आप एक बार 15 मिनट के बाद ज़रूर चेक करें। अगर आप इसे कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्रीहीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। तो बस आप देख रहे हैं कि टोटल ना मैंने इसे 22 मिनट के लिए लगभग बेक किया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो मैंने इसे थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए टाइमिंग 5 मिनट और एक्स्ट्रा बढ़ा दी थी, तो इस वजह से आप चाहें तो पहले भी निकाल सकते हैं। तो इसे ओवन से बाहर निकालते ही ना तुरंत हम इसे कर देंगे बटर से ग्रीस, ताकि जो टॉप की लेयर वो हार्ड नहीं पड़ेगी, सॉफ्ट बने रहेंगे ये। और देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है टॉप्स और बॉटम से दोनों से। तो अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सॉस ली है, इसे मैंने कोन में फिल कर लिया था। इस पर हम सर्कल देंगे शेप, साथ में ही मैंने यहाँ पर मायोनीज ली है, तो प्लेन मायोनीज का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसे ये दिखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना टोटल ऑप्शनल है, आप सिंपली भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसकी गार्निशिंग अपने अकॉर्डिंग रखी है। तो इस तरीके से हमारी ट्रे तैयार है, अब हम इसे ना गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, और साथ के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, यानी कि मिंट लीव्स के साथ, जिससे इनका लुक और बढ़ जाता है। तो देखा दोस्तों कितना टेस्टी यमी बनकर तैयार हुआ है, बहुत जल्दी बन गया ये ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।